सत श्री अकाल दोस्तों, तुहाडा प्रदोस्त रणजीत सिंह रिहल वीजा इमीग्रेशन। दोस्तों अगेन पासपोर्ट से स्टिकर लग के आ गए ने वीजा कैनेडा दे। मेरा कहने का मतलब होंदा कि अगर इस तरह पासपोर्ट से स्टिकर लग के आ रहे ने तो इन्हां दे पिछे रिफ्यूजल भी आ रही ने। मैं शरीयन दिखाना है कि दोस्तों आ देखो रिफ्यूजल भी आई। अगर इन्हें पासपोर्ट से स्टिकर लग के आए ना, रिफ्यूजल भी दोस्तों आ रही ने। बाकी दोस्तों फ्रैश पासपोर्ट से वीजा लगा हुआ, इन्हां चों किन्ने पासपोर्ट से इहोजे हैगे जो बिल्कुल फ्रैश ने, कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं हैगी है, एंड कैनेडा वीजा स्टैंप हो चुका है ते। इस सारिया ते गल करदे लोकी भाजी प्रोफाइल की हो जी आ, इन्हां च दोस्तों ज्यादातर प्रोफाइल हैगी आ जिहड़े लोकी मैरिड ने, आपां उहनां दे अप्लाई कीता कल्ले दा। कुछ इन्हां च इहो जे हैगे आ जिन्हां दा असीं अप्लाई कीता आ सिंगल दा, उहनां ने कहा सर आपां सिंगल हैगे आ, तुसीं रिस्क लो, मैरिड नहीं हैगे। असीं कहा ओके, असीं कोई गरंटी नहीं आ, अप्लाई कीता वीजा आ गया परमात्मा दी कृपा। सो कहण दा भाव इह आ कि मिक्स प्रोफाइल्स हैगीआं, बट किसे दे वी फंड इकट्ठे नहीं पवाए गए। होटल बुकिंग से वीजा अप्लाई किए गए, स्पॉन्सर केस चो कोई भी है नहीं गा, स्टिल वी गॉट द वीजा, बट सब रिफ्यूजल का सामना भी करना पिया है। आ रिफ्यूजल पई हुई हैगी इत्थे, एंड ये कारण आया है फैमिली टाइज एंड परपस ऑफ विजिट। हुण ये एक सिंगल बंदा वीजा से लगा कि इन्हें वापस नहीं आना, वीजा इशू नहीं किया गया, बट स्टिल आप इतने वर्क करांगे। सो दोस्तों कहने का मतलब यह है कि रिफ्यूजल भी आ रही ने, वीजे लग के भी आ रहे हैं। अगर अप्लाई करना चाहते हो तो अप्लाई तुम कर सकते हो। थैंक यू सो मच। और अपना दोस्त रणजीत सिंह रिहल फ्रॉम वीजा हब इमीग्रेशन।